your decision yesterday that you took to ensure that routes in Dubai will be open for humanitarian aid to enter? पाकिस्तान ने फलस्तीनी भारत के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन इमदादी सामान में हथियार, कंबल और टेंट शामिल है। सामान मिस्र के रास्ते गाजा पहुंचाया जाएगा। एनजीओ फलस्तीनियों से बनाए इस रैली के लिए आज कराची में रैली निकालेगी। खालिद महमूद सिद्दीकी का कहना है कि फलस्तीन के मामले पर सबको नहीं होना पड़ेगा। कराची में रैली एनजीओ की नहीं फलस्तीन के साथ इजारे रैली के लिए। पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं फलस्तीन के लिए सब बारे नहीं है। फलस्तीन का मसला इंसानी समस्या है। पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस वक्त मफादात को एक तरफ करना होगा। हमारी रैली इंसानियत की होने वाली तस्वीर के खिलाफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान दो झड़पों के दौरान 6 दहशतगर्द को गए। फायरिंग के दरवाजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान शहीद हो गए। आई एस पी आर के मुताबिक पहली दर्ज भारी बलिस्तान के इलाके मजनू में हुई, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के सरगना हजरत समाज समय 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। शहीद भारी के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के लाख साई और दो सिपाही शहीद हुए। दूसरी तरफ जरूरी बलिस्तान के इलाके आसमान अगंजा में हुई, जहाँ दहशतगर्दों से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के एक सिपाही ने जामी शहादत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल से इराक से मुलियम ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेस का दौरा किया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान मुताबिका किया। मुस्को का मकसद जुदाई जंग के जदीद तस्वर को मुस्तकम करना, बाकी कामों को फरोग देना है। इस आवाज से एयरपोर्ट से किया। आर्मी चीफ जनरल से इराक से मुलियम ने पास से जाने की 14 मुल्की बस इंडस्ट्रीज का मुशाहिदा किया। आई एस पी आर के मुताबिक बस में तुर्की, अजरबैजान और हंगरी के एयर चीफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ की आमद पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम उली और मेहमानों को एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तरबियती अमूर और बस से उतारने की तस्वीरें भेजी दी गई। एयर चीफ के खिताब में आर्मी चीफ की जानेब से पांच सितारों की चित्रकारी की मुहिम में भरपूर तावन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बस इंडस चीफ सिदाई अफवाज के लिए अपनी बेमिसाल महारत पर आर्मी चीफ ने कहा कि एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मार्च पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। कौमी विमेन क्रिकेटर निदान राज की कयादत में मुंबई पहुंच गई है। टीम आज शाम दुबई से चित्रग्राम के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। तमाशाइयों की बड़ी तादाद गवादर पहुंचने लगी। गवादर रैली के मुकदमी ने कहा कि पहली बार दर्जनों की आवाम बीच रैली में शिरकत कर रही है। बाइक में फुटबॉल रैली जहां मुतारिफ करवाई गई। उम्मीद है कि वन गवादर का नाम आलमी सतह पर नुमाया करेगा। गवादर ऑफ रोड रैली के कामयाब इनाम के लिए जिले इंतजाम के अलावा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की काम जारी है। उन्होंने आज आसिफ को कहना है कि पीपल्स पार्टी को जो मामले पता चला कि धोनी का मार्कशीट है, ये इतने बच्चे हैं 14 माह इतिहादी रहे तब उन्हें पता नहीं चला कि मार्कशीट है। जी हाँ, रामकुमार नोली आज आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी को 2 माह में पता चला कि नोली का मार्कशीट है, ये इतने बच्चे हैं कि 14 माह इतिहादी रहे तब इन्हें पता क्यों नहीं चला। पीपल्स पार्टी ने सिंह में उमर बीन की बड़ी विजय की रानी की है। जनाब मालिक और मैंने पीपल्स पार्टी में शामिल सरदार अली गोहर महर ने सबक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। शमूलियत इख्तियार की है। चीफ जस्टिस की सरदारी में 3 रुकनी कमेटी का इजलास। सराय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा जल्द समाज के लिए मुकर किए जाएंगे। इजलास में अहम मुकदमा को जल्द मुकर करने का फैसला होगा।